हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीएस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं इमरान डी टेन मैच की सीरीज़ की। सीरीज़ का 35वां मैच है जो कि ईमार वर्सेस एसएच के बीच में होने वाला है और रात 27 दिसंबर को टाइमिंग रहेगी रात के 9 बजे। वेदर की बात की जाए तो बरसात की कोई चांस नहीं है। इमिरेट वर्सेस शारजहाँ का एक मैच, वेन्यू रहेगा मलिक क्रिकेट ग्राउंड अजमेर यूनाइटेड अरब इमिरेट का। बैलेंस विकेट है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 99 के आसपास रहने के अनुमान है। अगर ईमर की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इनकी तरफ से ओपनिंग करेंगे कमर हुसैन और लास्ट मैच में अगर परफॉर्मेंस देखें तो जल्दी आउट हुए, 9 ही रन बनाए मात्र। और उससे पहले आप देखेंगे तो 25-25-3-59 और लास्ट मैच में 9 प्लेयर है बेहतरीन आपकी टीम में होने चाहिए। राशिद हबीब बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप है। कुछ मैचों में इन्होंने बॉलिंग भी कराई है, एक मैच में इन्होंने विकेट भी निकाले जिसमें इन्होंने 2 ओवर फेंके थे उसमें 1 विकेट निकाला है और बैटिंग भी की है। हालांकि लास्ट मैच में इन्हें काफ़ी 3 मैच नहीं खिलाने के बाद इन्हें एक लास्ट मैच खिलाया गया जिसमें इन्होंने ओपनिंग की कमर हुसैन के साथ 3 रन बनाए। बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप है लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई गई इनसे। तो अगर आप मेगा लीग खेल रहे हैं तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बैटिंग कुछ रन बनाए और बॉलिंग भी करवा दी जाए। वैसे कन्फर्म नहीं है कि बॉलिंग करवाई दी जाएगी और ऐसे प्लेयर जो होते हैं कभी कभार एक ही ओवर फेंक दें तब उसमें भी 1 या 2 विकेट लेके चले जाते हैं। तो नंबर 3 पर सलमान है जो कि एक अच्छी फॉर्म में है, कमर हुसैन की जैसे अच्छी फॉर्म है वैसे इनकी भी अच्छी फॉर्म है। 41-18-38 और लास्ट मैच में 36 रन की इनिंग खेली, तो आप अपनी टीम में इन्हें लेके चलें। खिलंटो बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप देते हैं लेकिन लास्ट के कुछ मैचों से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लास्ट के 3 मैचों से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और आप देखेंगे 40-0-8। चाहे तो आप इन्हें लेके चल सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं। रौनक बिस्वानी एक बेहतरीन प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से आते हैं, बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग का भी बैटिंग भी करके देते हैं। और लास्ट के 3 मैच देखेंगे, 0-1 ओवर 1 विकेट, 14-2 ओवर विकेट नहीं, लास्ट मैच में 4 रन 1 विकेट 1 ओवर जिसमें विकेट नहीं मिला। अब्दुल गयानी भी लास्ट मैच में खिलाए गए, इससे पहले इन्होंने 4 मैच नहीं खेले हैं। अगर शुरुआत से बात की जाए तो 2 ओवर 1 विकेट, दूसरे मैच में 1 रन बनाया, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर 2 विकेट। इसके बाद इन्होंने 4 मैच नहीं खेले, लास्ट मैच में इन्हें खिलाया गया और बैटिंग करने का मौका मिला जिसमें 1 रन बनाया, आउट हुए, 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। तो अगर खेलते हैं तो आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। जितने भी मैच इन्होंने खेले हैं सब में विकेट निकाले हैं, 1 मैच को छोड़ के, 1 या 2 मैच का, लास्ट का मैच को भी अगर देख लिया जाए तो उसमें भी इन्हें विकेट नहीं मिला। तो 2 मैचों को छोड़ के इन्होंने लमसम हर मैच में विकेट निकाला है और बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी पिक बन सकते हैं आपके लिए। अबू बाकर खान की बात की जाए तो आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। हर मैच में इन्होंने भी विकेट निकाले हैं, पहला और लास्ट मैच छोड़ के। पहले मैच में इन्होंने 1 ओवर फेंका था जिसमें विकेट नहीं, दूसरे मैच में 1 ओवर फेंका, 2 विकेट, फिर 1 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, लास्ट मैच में 4 रन बनाए, 1 ओवर और विकेट नहीं मिला। आकाशा ताहिर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी हर मैच में लमसम ओवर फेंकते हैं, कभी 1 या कभी 2 फेंकते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने 12 रन बनाए, 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। इससे पहले इन्होंने 2 ओवर फेंके, विकेट नहीं मिला। तो लास्ट के 4 मैचों से लमसम इन्हें विकेट नहीं मिला है, 4 मैच में विकेट नहीं मिला है। तो हो सकता है आज 5वां मैच है वो कुछ विकेट मिल जाए। लो परसेंटेज प्लेयर हैं, आप मेगा लीग में ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। उदित सूरी की बात की जाए, काफ़ी कम बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट भी नहीं मिल सकता, चाहे तो आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। एच सेठी सिर्फ 1 ही मैच खेला, लास्ट ही मैच खेला जिसमें 1 विकेट निकाला, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और अभिनव विष्णु की बात करें तो इन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर मोहम्मद आकाशा ताहिर अब्दुल बाकर खान करण धीमन, लास्ट ये करण धीमन नहीं खेले, कुछ एरर है, और अभिनव विष्णु और रौनक बिश्वानी। डेथ ओवर में उदित सूरी, रौनक बिश्वानी और मोहम्मद आकाशा ताहिर। बेंच प्लेयर में आपको करण धीमन मिल जाएंगे जैसा कि मैंने कहा ये लास्ट मैच नहीं खेले थे, और डैनी पॉसन मिल जाएंगे, बल थापा, इनमें से कोई प्लेयर खेलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, खासकर डैनी पासवान क्योंकि ये बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं। जितने भी मैच खेले हैं इन्होंने नंबर 3 या 4 पे बैटिंग की है, तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, कमर हुसैन और सलमान मेरे ख्याल से आपकी टीम में होना चाहिए, रौनक पासवानी भी आपकी टीम में होना चाहिए, अब्दुल कयानी भी होने चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप चाहें तो
क्लंटो को अपनी टीम में ले जा सकते हैं, और वैसे रिस्की चॉइस है, लेकिन अगर आप क्योंकि ऊपर बैटिंग करते हैं और बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप है, तो इसलिए आप अपनी टीम में रख सकते हैं। सामने जो टीम है उसकी अगर बात करें तो शाह की प्लेइंग 11 है। उसकी अगर बात करें तो आसिफ खान कप्तानी मटेरियल पर रहे हैं, लमसम हर कोई इन्हें कप्तान बना रहा है, इनकी फॉर्म ही कुछ ऐसी है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 11, 55, 43 इस मैच में इन्होंने एक ओवर फेंका, विकेट नहीं मिला, फिर 72, 1 ओवर, 1 विकेट, 73, 13, 34, 14, 0 और लास्ट मैच में 77 रन की इनिंग के लिए कप्तान थे ये मेरे टीम के। एम गुरबाज की बात करें तो ये विकेट कीपर सेक्शन से आपको मिल जाएंगे, 27, 2, 28, 32, 15। इसके बाद इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, मतलब टीम से बैटिंग नहीं आई और फिर 7 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, और उसके बाद के जो 2 मैच हैं 0 और 6 हैं। तो लास्ट के 5 मैच इनके कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको देखते हुए लास्ट के 5 मैचों को देखते हुए 6 मैच आप अपनी टीम से इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। मोहम्मद जोएब की बात करें तो 57, 1 रन, 1 ओवर, 1 विकेट, उसके बाद 5, 14, 13, फिर 3 मैच नहीं खेले, 11, 0। तो आप इन्हें चाहे तो अपनी टीम में रख सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ड्रॉप कर दीजिए। एक ही इनिंग अच्छी है जिसमें 57 रन बनाए हैं, उसके अलावा कोई भी इनिंग अच्छी नहीं है, 5, 13 इस तरीके से, फिर 3 मैच का ड्रॉप रहा है, फिर लास्ट के जो 2 मैच है उसमें 11 और 0 की इनिंग है। हाँ, ये ज़रूर है कि बॉलिंग एक मैच में की है, इसका मतलब ये है कि जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैच के अलावा किसी भी मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। तो ये कब बॉलिंग कराएंगे ये टीम का डिसीजन होगा, जिस तरीके से आसिफ खान कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं उस हिसाब से मोहम्मद जोएब भी कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं, और कब करेंगे ये किसी को नहीं पता। उजैर हैदर की बात की जाए तो ये एक बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखने वाले प्लेयर हैं, पहले मैच में 8 रन बनाए थे, 2 ओवर फेंके 2 विकेट निकाले, फिर उसके बाद 1 ओवर फेंका 1 विकेट, फिर 1 रन, फिर 2 मैच से ड्रॉप रहे 58, फिर मौका नहीं, फिर 2 मैच से ड्रॉप रहे और लास्ट मैच में 16 रन बनाए हैं। आप चाहें तो अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं, या किसी ऐसे प्लेयर को पकड़िए जो 2 ओवर फेंकता हो, कम से कम अगर 2 ओवर 1 ओवर डेथ में लेके भी आएगा तो वो आपको 25 पॉइंट देके जाएगा, और 16 और अगर कैच भी पकड़ लिए तो और अच्छा है। हैदर की बात की जाए, हर मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, हर मैच में 2 ओवर डाल रहे हैं, जिसमें 1 ओवर ये डेथ में भी लेके आते हैं। इनके अगर कुछ मैचों की बात की जाए, 2 ओवर 3 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर 1 विकेट, लास्ट फिर 2 ओवर 1 विकेट और लास्ट मैच में 2 ओवर फेंके हैं जिसमें 1 विकेट निकाला। तो हैदर अली आपकी टीम में होने चाहिए, शहबाज अली भी इसी टाइप के कुछ प्लेयर हैं, हर मैच में लमसम ओवर फेंक रहे हैं, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर विकेट नहीं, 2 ओवर 2 विकेट, 2 ओवर विकेट नहीं, और लास्ट के 3 मैचों से इन्हें अपने मैच में ओवर फेंक रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहा। चाहे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हैदर अली तो आपकी टीम में होनी चाहिए। शहबाज अली भी ओवर तो फेंक रहे हैं लेकिन रिस्क ये है कि विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन सबकी टीम में होंगे तो आपकी टीम में भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सबकी टीम में हैं तो जो सबके पॉइंट होंगे वो आपके होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर देसाई को आप ज़रूर अपनी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सब मैचों में ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन जब भी बॉलिंग कराई है विकेट निकाला है। सुराज के 2 मैच नहीं खेले, 3रा मैच खेले, 2 ओवर की बॉलिंग कराई 1 विकेट, फिर 1 मैच नहीं खेले, फिर खेले भी तो किसी बॉलिंग नहीं कराई, और उसके बाद 2 ओवर 1 विकेट, फिर मैच नहीं खेले, 2 ओवर 1 विकेट, फिर इन्हें टीम में किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, और लास्ट मैच में 2 ओवर फेंके 1 विकेट निकाला। तो प्लेयर अच्छे हैं, हर मैच में 1 विकेट निकालना है जब भी बॉलिंग कराइए। अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर फिर से बॉलिंग कराएगा तो अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। फयाज़ अहमद काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन जब ये बेहतरीन तभी हैं जब ये बैटिंग में ऊपर आए, प्रमोट नंबर 3 से या नंबर 4 पे बैटिंग करें तब तो ये बढ़िया है, लेकिन इनकी टीम इनसे नहीं करा रही है। और हाँ, ये बैटिंग के साथ बॉलिंग ये भी करते हैं, काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो बैटिंग के साथ बॉलिंग करते हैं, अगर ये सब बॉलिंग कराने लगे तो जितने भी बॉलर हैं उनकी शायद बॉलिंग ही ना आए। और अब देखेंगे लास्ट के 3 मैचों की परफॉर्मेंस, 4 मैचों की देखेंगे, 20 रन 36 रन 60 रन, और लास्ट मैच में किसी भी तरीके से कोई परफॉर्म नहीं किया है। मोहम्मद उजैर खान बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं, कई बार यह टीम के लिए ओवर बैटिंग करने आए भी हैं, और अगर आप देखेंगे लास्ट के 4 मैच 2 ओवर विकेट नहीं 1 ओवर 1 विकेट, 4 रन, 2 ओवर विकेट नहीं, और लास्ट मैच में भी विकेट नहीं मिला, 2 ओवर फेंके। मोहम्मद आसिफ, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी प्लेयर कभी भी बॉलिंग करा देता है और 1 या 2 ओवर फेंक के इतने विकेट ले जाता है कि सोच भी नहीं सकता आदमी। और एक आप देख सकते हैं कि ओवर फेंके हैं लेकिन सिर्फ 1 मैच में विकेट मिला था, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने ओवर फेंके हैं 2, जिसमें ये 3 विकेट ले गए।
दो एजाज ओपनिंग या नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्हें बिल्कुल नीचे रख दिया गया, बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी नहीं। तो ये थोड़े रिस्की प्लेयर है, 10-10 ओवर के मैच में हर प्लेयर रिस्की होता है, कंफर्म नहीं होता कि वो कहाँ पे बैटिंग करेगा। स्टार्टिंग के ओवर आपके लिए लेके आते हैं हैदर अली, मोहम्मद अजहर खान, हर्ष देसाई, मोहम्मद आसिफ, डेथ ओवर में हर्ष देसाई, मोहम्मद आसिफ, शहबाज अली और मोहम्मद अजहर खान। बेंच प्लेयर में आपको अब्दुल गफर मिल जाएंगे, हजरत लुकमान मिल जाएंगे, जैन उल्ला खान मिल जाएंगे। खेलते हैं तो अब्दुल गफर को जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये भी बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप रखते हैं और 2 ओवर अपने पूरे फेंकते हैं। इस टीम से आप किसे ट्राई कर सकते हैं, आसिफ खान मस्ट पिक हैं, कप्तानी के प्लेयर हैं, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। गुरुवाच को आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। वैसे 10-10 ओवर के मैच में अगर किसी प्लेयर ने 20 से 25 रन भी मार दिए तो वो एक बहुत बड़ी मतलब पॉइंट हो जाते हैं। तो बस इसी चीज़ को मतलब जो परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक दिखा रहे हैं, अगर ऐसे ही रहा तो आप मतलब एक ड्रॉप करना फ़ायदा हो सकता है। और मोहम्मद जो है भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ एक ही मैच को अगर देखें तो यही 57 है, उसके बाद कोई परफॉर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से एम गुरबाज और मोहम्मद जो है ड्रॉप करने सही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी टीम में रखना तो आप इन्हें रख भी सकते हैं। हैदर अली आप और शहबाज अली, हर्ष देसाई आपकी टीम में होने चाहिए। इसके अलावा दोईद इजाज और फयाज़ अहमद, ये 2 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। मुझे शायद आज ये ऊपर बैटिंग करने आए, तो इस टीम से आप इन प्लेयरों को ले सकते हैं। अगर हम अपनी टीम की बात करें अभी तक तो कुछ वो इस तरीके से रहा है, तो हमारी टीम कुछ इस तरीके से है, कन्फर्म 11 नहीं है, हो सकता है कि एक ही 2 प्लेयर ना खेलें तो उसमें उसको चेंजेस किया जा सकता है, लाइन आउट आने पर इसका फैसला होगा। और ये एक डेमो टीम है, कप्तान दिया आसिफ को, वाइस कप्तान दिया एफ अहमद को। आप कप्तान किसी और को भी दे सकते हैं, वाइस कप्तान भी किसी और को दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कप्तानी मटेरियल प्लेयर आसिफ खान ही है। और डी जॉर्ज को भी दे सकते हैं, एफयाज को भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने दिया ही है, क्योंकि ये बैटिंग के साथ बॉलिंग कराते हैं, लेकिन कब कराएंगे ये कोई कन्फर्म नहीं है। फ़िलहाल आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं, वीडियो में दी गई प्लेयर की जानकारी के अनुसार जो प्लेयर बेंच प्लेयर हैं उनके भी रिकॉर्ड देख के आप उनकी अपनी टीम में ले सकते हैं। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।